हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है और डेटा अपडेशन हम इसमें कैसे कर सकते हैं। हमारे एक व्यूअर है जिनका नाम है सुमन, तो इन्होंने पूछा है कि कैसे हम ये कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। एमएस एक्सेस ओपन करते हैं, तो यहाँ विंडोज के साथ आर दबाता हूँ, यहाँ एमएस एक्सेस टाइप करता हूँ और ये ओपन हो गया। तो यहाँ से हम ब्लैंक डेटाबेस चूज करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स का एग्जांपल, दो या तीन सब्जेक्ट्स का लेकर के मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे स्टूडेंट कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए ये आईडी आ रही है, मैं इसको रोल नंबर कर देता हूँ, रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ओके, और यहाँ पे फादर्स नेम कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे दो सब्जेक्ट ले लेता हूं, एक हिंदी दूसरी इंग्लिश, एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पे मैथ, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट लेते हैं हम। और यहाँ पे कर देते हैं मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है, और ये हो गया। और यहाँ पे करेंगे एवरेज, ठीक है, ये सबको नंबर बनाएंगे, यहां से नंबर, यहां से इसको नंबर बना लीजिए आप, यहां से इसको नंबर बना लीजिए, यहां से बनाइए इसको नंबर करना है, ठीक है, इसको सेव करना है। अब इसमें कोई हमको रोल नंबर एंटर करना होगा और उसके आधार पर आगे हम रिकॉर्ड एंटर करेंगे। तो आइए पहले हम चलते हैं क्रिएट पर और आ जाते हैं क्वेरी डिजाइन में, ऊपर लेते हैं इसको और यहां से ऐड करवा लेते हैं, ठीक है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, यहां दो बार इंसर्ट हो गया है, तो यहां से फादर्स नेम कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेंड एवरेज। तो यहां पर अब हमें क्लिक करना है और जूम पे क्लिक करना है, तो यहां पे जूम व्यू में हम आ जाएंगे और यहां पे थोड़ा इसको जूम कर देता हूं मैं, आपको ठीक से दिखाई देगा। यहां पे कोलन लगा लीजिए, कोलन लगाने के बाद यहां पर रखिए, कोलन लगाइए, कोलन लगाने के बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, और उन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड कराना है जो सब्जेक्ट्स आपने लिए हुए हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने लिया हुआ है हिंदी, ठीक है, बंद कीजिए, उसके बाद प्लस का निशान लगाइए, प्लस एक ऑपरेटर है, इसको हमेशा बाहर लिखेंगे, इंग्लिश को, और यहां से ओके प्रेस कीजिए। और इसके बाद यहाँ पे एवरेज पे आइए, चूंकि तीन सब्जेक्ट हमारे हैं, ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले हम इसको जूम व्यू पे ले लेते हैं, जूम किया हमने, और यहां से कोलन लगाइए, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, और मार्क्स ऑब्टेंड हमें यहां लिखना है, मार्क्स ऑब्टेंड, बंद कीजिए, कितने सब्जेक्ट हैं आइए गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन, तो यहां जितने सब्जेक्ट होंगे उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो यहां तीन से हम इसको डिवाइड कर देंगे, बस ओके प्रेस कीजिए। और यहां से हम कर सकते हैं रन पे क्लिक, ठीक है, तो रन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा हमारा, जब हम यहाँ डेटा एंटर करेंगे तो ये रिकॉर्ड्स सारे हमको मिल जाएंगे, ओके। यहाँ क्रिएट पे आते हैं, फिर यहाँ स्प्लिट फॉर्म जो दिया हुआ है इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको सेव करते हैं, और ये क्वेरी वन के नाम से सेव होना चाहते हैं, मैं इसको हैवे के नाम से सेव कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। यहां से चाहे तो डिजाइन व्यू में जाकर के इसमें फॉर्मेटिंग हम और भी कर सकते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स बनाने वाले हैं, तो इसको पकड़ा हमने यहां से, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, यहां से कलर भी इसका चेंज कर देते हैं, ठीक है, और ये यहां से क्लिक करेंगे और कॉम्बो बॉक्स बन जाएगा ये, ठीक है। इसको हम फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फॉर्म बेस्ड ऑन अ वैल्यू वन सेलेक्टेड ऑन माई कॉम्बो बॉक्स, ये दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है आई वांट द कॉम्बो बॉक्स लुकअप द वैल्यूज टेबल और क्वेरीज, तो हम जो वैल्यूज टेबल और क्वेरी में होगा उसके आधार पर है,
और यहां पे फॉर्म के बेस पे है, तो जिसके बेस पे आप चाहे उसके बेस पे यहां से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको चूज करते हैं तो आप टेबल या क्वेरी के आधार पे सर्च कर पाएंगे, और यहां पे सर्च क्लिक करते हैं तो फॉर्म के आधार पे आप क्लिक कर पाएंगे। तो ये चीज है, तो यहां पे मैं अभी नीचे वाले पे रखता हूं, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और यहां से दो वैल्यूज हमें लेनी है, तो ये दो वैल्यूज हमने ले ली हैं, क्लिक किया हमने, ठीक है। और यहां से इसको हाइड कर देते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहां पे दोनों रिकॉर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगे, जब मैं यहां पे वैल्यूज एंटर करूंगा तो यहां पे आपको दोनों रिकॉर्ड्स रोल नंबर भी दिखाई पड़ेगा और स्टूडेंट नेम भी, उसके आधार पे सारे रिकॉर्ड्स चेंज होंगे। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और यहां से अगर इसको आप और भी बड़ा करना चाहते हैं तो नीचे खींच करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और भी कोई बटन बनाना चाहे तो यहां से बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। और अब हमको क्या करना है, हमको यहां पे सिंपली आना है फॉर्म व्यू पे, तो ये इस तरह से दिखेगा हमें। और यहां पे मैं रिकॉर्ड्स एंटर कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा राम, ठीक है। और यहां पे फादर्स नेम जो भी हो इनका, जैसे रमेश, ठीक है। और हिंदी में मार्क्स जो भी हो, इंग्लिश में मार्क्स जो भी हो, और मैथ्स में मार्क्स जो भी हो, तो यहां पे एवरेज आ गया इनका, ठीक है। फिर यहां पे सेकंड रिकॉर्ड हमें एंटर करना है, तो आप देख सकते हैं डेटा अपने आप इसमें अपडेट हो रहा है। सेकंड रिकॉर्ड एंटर करेंगे अशोक, ठीक है। और फादर्स नेम है कृष्णा कांत, ठीक है। और यहां पे मार्क्स इनके, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, टैप करते जाएंगे तो यहां पे आ जाएंगे, और यहां पे डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर लेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा हमें। तो जो भी रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे वो सब इसमें अपडेट होता जाएगा। देखिए आप फिर से, मैं यहां पे क्लिक किया हमने, यहां पे लिखते हैं अविनाश, ठीक है। और रत्नेश, ठीक है, फादर्स नेम है। और यहां पे ये किया हमने, मार्क्स दे दिए जो भी इनके आए। ऐसे अब हम क्या करते हैं, यहां से चूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पे देखिए एक वैल्यू आपको दिख रही होगी, इसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो नहीं दिख रही है। तो आप सिंपली पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, यहां से सेव किया हमने, एप के नाम से ये सेव हो रहा है, ठीक है। और यहां से हम इसको करते हैं कट, पूरा का पूरा यहां से कर दीजिए कट। हम दोबारा से एक्सेस को ओपन करते हैं, विंडोज के साथ आर बटन दबाते हैं, एमएस एक्सेस लिख करके एंटर करते हैं। तो यहां ऐप के नाम से डेटाबेस 8 था, तो यहां पे हमने सेव किया हुआ था, इसको हमने ओपन किया। अब यहां से देखेंगे हम तो ये तीनों रिकॉर्ड्स अपडेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब यहां पर आप अशोक पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पूरा अशोक का रिकॉर्ड आएगा। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, यहां पे जो भी रोल नंबर डालिएगा उसका रिकॉर्ड यहां पे होके आ जाएगा। अविनाश का रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, ये अब हम नीचे आएंगे और यहां पर वैल्यूज एंटर करवाएंगे। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं यहां से, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है कि किस तरह से रिकॉर्ड अपडेट होते हैं, ठीक है। यहां पे आए, यहां पे किया हमने स्वराज सिंह, राम कुमार, फादर्स नेम राम कुमार है। और यहां पर जो भी मार्क्स आए हैं इनके वो मार्क्स दे देंगे, और जैसे ही हम देंगे तो यहां पे ये, तो ये अब देखिए, अब एक रिकॉर्ड जो हमने डाला वो अभी अपडेट नहीं हो रहा है, ठीक है। हम चाहे यहाँ पे क्लिक भी कर दें तो भी अपडेट ये अभी नहीं होगा। यहां से हम फॉर्म व्यू में आते हैं, देखिए यहाँ पे अभी अपडेट नहीं हो रहा है। जैसे इसको आप क्लोज करेंगे ना, यहाँ पे पहले मैं सेव कर देता हूं, क्लिक किया हमने तो ये क्लोज हो गया। अब फिर वापस से ओपन करते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड था, इसको हमने सेव किया था या नहीं, सेव शायद नहीं किया था। तो अगर सेव नहीं किया रहेगा, देखिए स्वराज सिंह यहाँ पे जो एंटर किया था वो भी यहाँ पे अपडेट होकर आ रहा है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये अपडेट हम कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड्स जो है अपडेट होके आ रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगर हम अगला नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा रितेश, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गौरी शंकर, आदर्श नेम है, ये दे दिया हमने।
और यहां पे 45 33 जो भी मार्क्स आए हुए हैं यहां पे दे देंगे, तो यहां पे ये आ गया। तो अब यहां पे जब जाएंगे हम तो चार ही रिकॉर्ड हमें दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे रोल नंबर 5 जो है रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, इसमें भले ना दिख रहा हो, ठीक है, यहां जो ड्रॉप डाउन हमने बनाया इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको सेव करके क्लोज करेंगे तो ये रिकॉर्ड हमें वापस से दिखने लगेगा। यहां विंडोज के साथ आर बटन दबाइए, एंटर करिए, और ये हमारा रिकॉर्ड था। तो ये यहां से अब जब आप क्लिक करिएगा तो यहां से ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया, देखिए। तो यहां से जो भी चूज करेंगे उसके आधार पे ये पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए यहां से, देखिए मैं अगर रोल नंबर 4 चूज करता हूं तो यहां पे ये है, ये चूज किया हमने अशोक वाला, रोल नंबर 2, तो यहां पे ये टोटल आ गया। तो इस तरीके से हम ये अपडेशन कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और डेटा अपडेट आपका हो जाएगा इस तरीके से, और एवरेज भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि फ्री में ये बात सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।